नमस्कार साथियों, मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पंच धातु के विषय में। पंच धातु में कौन कौन सी पांच धातुओं का सम्मिश्रण रहता है। जब आप किसी रत्न की अंगूठी धारण करते हैं या बनवाते हैं तो आम तौर पर पंच धातु की अंगूठी भी बनवाई जाती है। तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पंच धातु में कौन कौन सी धातु होती है। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथियों, पंच धातु में आता है सोना, चांदी, रांगा, सीसा, तांबा और लोहा। ये छह हो गई। इन छह में से कोई भी पांच को आप निकाल लीजिए तो वह पंच धातु बन जाती है। इसमें जहाँ तक हो सके सोने का सम्मिश्रण होना बेहद बढ़िया शुभ माना जाता है, भले ही कम मात्रा में हो। मैं कामना करता हूँ बहुत छोटी सी जानकारी लेकिन आपके लिए यूजफुल है, आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी बात अच्छी लगी है तो वीडियो को फैला दो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारी।